गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू डे टू। भाई तुम्हारा एकदम रेडी हो चुका है, बढ़िया वाला। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, फटाफट चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या था और फिर चलेंगे आगे। आज जहाँ जहाँ जाना है आपको गाड़ी में बैठ कर बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। ऊपर से मैं बताता हूँ, ऐसे सिर्फ ऐसे और कुछ नहीं करना। ये अलग हट जाते हैं ऐसे कई। नहीं, ऊपर से स्लाइड करोगे नहीं हटेगा। हट गया था, 5-6 बार हटा तब भी वैसे कर रहा हूँ। तो गाइस शर्मा जी तो लेना, इसकी लेना, शर्मा जी की बन गई। शर्मा जी यहाँ पे स्टिकरिंग करते हुए। शर्मा जी तो शादी, तू हाथ लगा लेना, तू पागल है, तू हाथ लगा ले। लड़की वालों की डिमांड ही है, या लड़के स्टिकर ऐसे से चिपकाता हो। अभी चल रहे हैं हम तनोट टेम्पल है, 2-3 जगह हो रहा है अभी गाड़ी में बैठ के। पूरी आइटम जाएंगे अभी और पूरा लाइनअप देखा है। तुषार की गाड़ी में जा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला वहाँ जाऊँगा, इतने ये ड्राइव कर लेगा, मैं थोड़ी वीडियोज वगैरह बना लूँगा ना। सब गाड़ियाँ लाइनअप में लगेंगी। तो गाइस लाइनअप यहाँ पे लग रहे हैं, ये हमारी आइटनरी डे टू की, भारतमाला ड्राइव जैसलमेर। ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम जा रहे हैं भारतमाला रोड ड्राइव पे। इसके बाद है त्रोट टेम्पल, लोंगे वाला बॉर्डर और म्यूजियम, वॉर म्यूजियम। आफ्टर दैट शाम के 5 बजे हाई टी है, फिर कल्चर प्रोग्राम है, फिर नाइट डेजर्ट सफारी है। तो मजा आएगा नाइट डेजर्ट सफारी में। और मैं जा रहा हूँ सिटी की गाड़ी में सिटी के साथ। गाइस कन्वॉय निकल चुका है। रात को क्या कर रहे थे आप यार 4 बजे तक? पूरा कन्वॉय है 35 बजे तक। गाइस अभी रुके हैं यहाँ पे, कन्वॉय पूरा रुका हुआ है रोड पे, पूरी गाड़ी है गाड़ियाँ, अभी सबका वेट कर रहे हैं। मतलब पीछे कुछ वो कर रहे हैं, मीडिया टीम वगैरह आई हुई है, तो मतलब फोटोज वगैरह लेंगे। यहाँ एक है और आगे देखो बाकी आगे रुका हुआ है। हॉर्न बजाते निकले। गाइस ये देखो, लांबा जी, भाई किसी को नहीं पता था लांबा जी आ रहे हैं। मैं हम हिसार वालों को पता था, सुबह 4-3 बजे के उठे, 4 बजे के निकले थे और अभी टाइम है 12:30 बजे पहुंच गया था। 6 घंटे 11 बजे जैसलमेर थे, बस थोड़ा एक गलत घुमाए थे। तो लांबा जी ने सबको सरप्राइज कर दिया, अब जिमनी की भी ऑफ रोडिंग देखने को मिलेगी। जिमनी वर्सेज थार का मतलब कुछ करेंगे, ठीक है लांबा जी, इस बार टोस्ट रैप भी है, जिमनी वर्सेज थार, जिमनी वर्सेज एंडेवर भी कर लेंगे। तो गाइस जिमनी भी लामा जी ने 150 पे खींच रखी है और आगे एंडेवर चल रही है। तो
दो एंडेवर आगे चल रही हैं, बाकी सारी पीछे हैं। अभी हम आ गए थे। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर और अभी दिखाता हूँ आपको। बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत भीड़ है। गाड़ियाँ सबने पीछे पार्क कर दी हैं, सब चल रहे हैं पैदल। सो गाइस दिस इज मातेश्वरी तनोतराय मंदिर। अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, रिपोर्ट शायद नहीं कर पाएंगे अंदर, दर्शन करके मिलते हैं। ये प्राचीन कुआं जो बॉर्डर मूवी में भी दिखाया गया, ढक दिया गया अब तो। ओ बॉय, बहुत गहरा है। ये देखो हम, ये मंदिर है। हमने सही टाइम पे दर्शन कर लिए क्योंकि अब भीड़ देखो, स्कूल के बच्चे आ गए। तो गाइस ये आ गए हम डिस्प्ले में, यहाँ पे जो बम्स वगैरह हैं इसका कोई नाम ही नहीं लिखा हुआ है। 9mm पिस्टल ऑटो, बिनोकुलर्स भी है, बम भी है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लोंगे वाला चेक पोस्ट पे, अभी एंट्रेंस कर रहे हैं। अभी मैं हूँ हाईलेक्स में, अभी दिखाते हैं आपको। तो ये है गाइस एंट्रेंस, ये सुमेर भैया। हेलो, ये हमारे हेलो गाइस, हेलो भाई राघव काजल। अभी हम लोंगे वाला पोस्ट जा रहे हैं, परमिशन हमने ले ली है। 2 घंटे हमें ये लग गए परमिशन लेने में, 2 घंटे में परमिशन आई है और अब हम सीधा जाएंगे 50 गाड़ियां लोंगे वाला। हाँ मतलब पूरा कॉन्वॉय अंदर ही जा रहा है, सभी की परमिशन आ गई है और देखते हैं क्या है वहाँ, पाकिस्तान दिखता है क्या दिखता है, कह तो रहे हैं सही से कुछ है। मूवी का शूट हुआ था ना यार, नो पॉलिथिन जोन। सो गाइस दिस इज वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर। यहां ऊपर जाके पाकिस्तान दिखाएंगे। हां क्या देखना है, मानी जाते ऊपर। सो गाइस आ गए इंडो पाक बॉर्डर पे, दिस इज इंडो पाक बॉर्डर। और ये देखो ये जो पीछे है, यहां ऊपर जाके शायद पाकिस्तान दिखता है, अब जाके देखते हैं क्या है पाकिस्तान में। सो गाइस ये जो सामने फेंसिंग दिख रही है, इसके पीछे पाकिस्तान है और ये इंडिया है, हमें शायद जाने नहीं दे रहे आगे। तो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं वॉच टावर पे पाकिस्तान देखने, आगे की परमिशन नहीं है हमें जाने की। कह रहे हैं पाकिस्तान के टावर्स वगैरह दिखते हैं, जो पाकिस्तान में जो टावर्स लगे हुए हैं वहाँ की पब्लिक भी देखती होगी ये सब। गाइस मस्त, मतलब वो देखा पाकिस्तान, पाकिस्तान देख लिया। अब जा रहे हैं हम वॉर म्यूजियम, वॉर मेमोरियल म्यूजियम है, वॉर म्यूजियम है वहाँ जाना है। इसके बाद वापस होटल जाना है, हाईटी है, हाईटी तो खैर नहीं हो पाएगी, लेट हो जाएंगे। टाइम 4 बज चुके हैं और 5 बजे हाईटी है, अभी हमें वापस जाना है 60-70 किलोमीटर। 60-70 नहीं, वॉर म्यूजियम सारा ही होटल अपना 150। सो वॉर म्यूजियम है, 40 वापस जाना है हमने होटल। उसके बाद रात को डिनर के बाद होगी नाइट सफारी, डेजर्ट सफारी, तो वो मस्त चीज़ होगी नाइट सफारी। थोड़ी ऑफ रोडिंग भी होगी डेजर्ट के अंदर, सभी गाड़ियां ले जाएंगे। क्या पता एक आधी फंसती भी है, जिमनी भी आई हुई है, आप तो जिमनी वर्सेस थार भी कर सकते हैं। देखते हैं, बहुत गाड़ियां हैं, हाईलक्स भी है, तो मजा आएगा आज तो, मतलब बढ़िया। वैसे जो मेन ऑफ रोडिंग होगी, जो मेन डेजर्ट होगी, वो कल है हमारी, जो ड्यून्स में हम दिन में जाएंगे, आज रात को भी जाएंगे, देखते हैं मजे करते हैं। सर जो पीछे ट्रंक वाली गाड़ियाँ हैं, मैं दोनों में से या तो इसुजू या तो हाईलेक्स, दोनों में से किसी एक में पीछे हम लोग रहेंगे।
ताकि हम लोग आपको और बेटरली थोड़ा लो ग्राउंड से आपकी गाड़ियों को कैप्चर कर पाए और आप लोगों को कैप्चर कर पाए। आप लोगों को मेरे इंडिकेशंस पे चलना है, मेरे इंडिकेशंस पे ड्राइव करना है, ताकि सबको मैं इजीली जो भी मेरे पास है मेरे जस्ट पीछे वाले नेक्स्ट गाड़ियों की 2 से 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे ताकि हम उसको क्लिप में कैप्चर कर सकें और फिर आप लोग ओवरटेक कर सकते हैं मेरे कॉल पे। और हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे कि कुछ थोड़े ड्रामेटिक शॉट्स लेने के लिए कि मैं अगर पर्टिकुलरली एक थार का शॉट ले रहा हूँ तो उसके पीछे वाली गाड़ी ज़रूरी नहीं है वो पैरेलल में ही हो, वो आप थोड़ा लेफ्ट और राइट में भी रह सकते हैं ताकि वो एक ड्रामा और एक वो फील क्रिएट करेगी उस मूवी में। तो गाइस ये हमारी अभी रील बन रही है, अभी नहीं वो उन्होंने मार दिया थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, एक बार गाड़ी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। ये हमारी मूवी की शूटिंग हो रही है, गाड़ी बढ़ाओ थोड़ी। 4 गाइस रील्स बन रही हैं। अरे हम तो चलो आगे जाने दो। अभी हम जा रहे हैं वॉर मेमोरियल, यहाँ पे पाकिस्तान के टैंक्स भी पड़े हैं, जो कुछ जले हुए भी पड़े हैं, कुछ वो छोड़ के चले गए थे वो भी पड़े हैं, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। बाकी सब चले गए, हमने कहा चलो 5 मिनट लगेंगे, देख के ही चलेंगे, थोड़ा देख लेंगे। युद्ध स्थल लोंगे वाला युद्ध स्थल, तो बॉर्डर मूवी में काफ़ी जगह है यहाँ पे, मतलब यहीं पे शूट हुई है वो। तो गाइस थोड़ा क्विक रहेगा अब क्योंकि सब जा चुके हैं, हम वेट कर रहे हैं, मतलब सब जा चुके हैं और हम रुके हैं यहाँ पे। तो गाइस ये है पाकिस्तान का टैंक, और जो ये फ्लैग उल्टा है ये हार का प्रतीक है, तो पाकिस्तान का टैंक था वो छोड़ के चले गए थे, तो इन्होंने मतलब हमारे आर्मरों ने इसका जो फ्लैग है वो उल्टा कर दिया। तो पोस्ट करेगा पक्का है। ये बंकर है, इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा दूंगा, पोस्ट करके देख लेना, जूम से वो दिखा दे टैंकर वो पड़ा। चलते हैं उधर टैंकर में, और गाइस ये देखो पाकिस्तानी ट्रक टाइप है कुछ, ये भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था आर्मी ने, वैसे एज इट इज ये पड़ा। ये देखो तो यार इन्होंने तो कवर नहीं छोड़ रखा यार, पब्लिक तो डिस्ट्रॉय करेगी। तो ऐसे टैंकर एक, ये पता नहीं पाकिस्तान का इंडिया का है, पाकिस्तान का ही होगा जो डिस्ट्रॉय है। तो ये भी पाकिस्तान का ही है टैंकर, ये पूरा अच्छे से डिस्ट्रॉय किया हुआ है, ये फाइटर्स ने किए थे ना डिस्ट्रॉय, लिखा हुआ था पीछे। तो गाइस अभी टैंकर वगैरह देख लिया, ये सब था मेमोरियल में, अभी लेट हो रहे हैं बिक�ज सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, 2-3 गाड़ियाँ हम रुके हुए हैं, तो अभी यही था कुछ। बाकी मज़ा आया देख के ना, कैसे पाकिस्तान वालों के रखे हुए हमने जीप भी टैंक भी। गाइस ये देखो पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ भी उल्टा है, ये भी पाकिस्तान का टैंकर है, पर ये काफ़ी साफ पड़ा है, लगता है हमने पेंट किया इंडिया वालों ने। सो गाइस अभी टाइम है 8 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं, अभी मेरे साथ देखो पहले कौन है, वही कर लो यार इसको तो फॉलो कर लो, मुझे तो अनफॉलो कर दो। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप अप करवाने टैंक को, बिकॉज अभी है हाफ टैंक है पड़ा, बट इंस्ट्रक्शंस थी कि सभी फुल करवा लेना, बिकॉज रात को नाइट डेजर्ट सफारी है और शायद मॉर्निंग में भी मतलब जाना ही है, तो बार बार कहाँ जाएंगे अब टॉप अप करवाने। तो भी टायर प्रेशर भी कम करना है, टायर प्रेशर जो 18-20 रहेगा और डीजल जो है वो फुल करवा लेंगे, ताकि दिन कल का पूरा दिन आराम से चल जाए। मेरा तो आज डीजल यूज़ नहीं हुआ बिकॉज मेरी गाड़ी गई नहीं तो बच गया, इसलिए हाफ टैंक है, नहीं तो मेरा भी अब तक फुल हो चुका था। अब ये कुछ सीन है ड्यून्स के, और यही पास में ही पड़ा फ्यूल स्टेशन तो सही दे रही है,
एवरेज सही है इसकी 14। हम कर रहे हैं सभी चारों में लगा दिया, मतलब थोड़ी थोड़ी वॉल खोल दी है, अपने आप हो रही है। इसकी भी देखो कौन सा बीच वाला, ये वाला नहीं, होने दो थोड़ा और कम। उसको राइट में कर देना है मैनुअल मोड पे। क्या नाइट सफारी के लिए गाड़ी फंसी थी, दूसरी साइड से चढ़ने लगी तो वो भी फंस गई। अब दो गाड़ियां फंस गई, लाइन अप हो गया सारी गाड़ियां।